Concept of change. So Karl Marx's philosophy, basically, we can divide it into various levels like the social order, political order. Why men obey, but the most interesting component of his philosophy that is under discussion, uh, that is the concept of change. Because <laughs> when philosopher ये बताता है कि वहाँ के इश्यूज़ क्या हैं नेचर ऑफ इशू क्या है तो डेफ़िनेटली फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है वो यही होता है कि इस सब को चेंज कैसे किया जा सकता है जो कि वहाँ पर मौजूद है सुकाल इज सोशियो पोलिटिकल फिलासफ़ी दैट एग्जामस द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वेयर देयर इज कॉन्टीन्यूस कंसर्नस अबाउट द स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सोसाइटी and he introduced the dialectical materialism and synthesis formation after thesis and antithesis uh, clearly shows how the inevit inevitability of change is clear according to him Because karl marx ne importantly jo pura plan regarding the change that is dependent on the thesis and then antithesis और जिसका नाम जो है वो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म रखा गया और जिसकी बेस क्या है दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोसाइटी द क्लासेस बिटवीन ऑफ द सोसाइटी और क्लासेस कितनी अकॉर्डिंग टू हिम दो क्लासेस हैं और फिर उन दो के दरमियान जो नेचर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है वो ये है कि एक के पास रिसोर्स हैं और दूसरी के पास नहीं है जिनके पास नहीं है वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट हैं इस अपर क्लास के ऊपर लेकिन दोनों के चूंकि इंटरेस्ट क्लैश करते हैं तो डेफिनेटली जहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां उनके दरमियान स्ट्रगल भी होगी और उस स्ट्रगल का आउटकम क्या हो सकता है कि जो लोअर क्लास है वो चेंज करना चाहेगी इस पूरे सेटअप को और उसी चेंज के लिए जब सोसाइटी के अंदर राइज करेगा और कॉन्फ्लिक्ट की बेस क्या है वो इंटरेस्ट का क्लैश करना है और जब इंटरेस्ट क्लैश करता है तो कब वो पीक टाइम कब आता है वो पीक टाइम कब वो होता है जब दोनों के दरमियान गैप जो है वो ज़्यादा हो जाए और उस गैप को फिल करने के लिए फिर मुख्तलफ़ जो एफर्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाए जिसके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसी एफर्ट्स भी होती हैं जो पूरे के पूरे माशरे को हिला के रख देती हैं समटाइम्स जो हैं उसमें आ, जो कुछ एब्सोल्यूट इकनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पर लेबर क्लास जो है ये कंसिडर करती है बिकॉज दे डू नाट हैव एनी काइंड ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डेफिनेटली दे हैव टू ट्राई टू कैप्चर सम रिसोर्स और उसके अंदर जो है वो सर्वाइवल ऑफ़ द फ़िटेस्ट वाली बात आ जाती है कि जिसके पास जब रिसोर्स होंगे तो चूंकि उसी की ही बात सुनी जाएगी तो जो लोअर क्लास है वो क्लैश की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए पूरे के पूरे माशरे के अंदर ऐसी रेवोल्यूशनरी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है कि जो पूरे सिस्टम को एक दफ़ा चेंज कर दे तो कार्ल मार्क्स के नज़दीक चूंकि सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस की जो टसल है जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिसोर्स के लिए है यानी अपर क्लास अपने रिसोर्स में एडअप करना चाहती है लोअर क्लास ये चाहती है कि अपने सर्वाइवल के लिए किसी तरह से इस गैप को फिल कर सके तो इस वजह से इनके दरमियान जो है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इनिशियली क्रिएट होता है लेकिन फिर जैसे जैसे वो गैप बढ़ता चला जाता है और स्टेट मशीनरी उस गैप को फुलफिल करने के लिए कोई एफर्ट करती हुई नज़र नहीं आती यानी उसका जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें जो स्टेट मशीनरी मेंशन की है काल मार्क्स ने अगर वो स्टेट मशीनरी अपना रोल परफॉर्म नहीं करेगी तो सोसाइटी के अंदर ओवरऑल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा शार्पन हो जाएगा कि अल्टीमेटली उस कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम जो होगा वो या रेवोल्यूशन होगा या फिर से वो जो क्लास स्ट्रगल है उसकी कोई ना कोई नई शक्ल जो है वो माशरे के अंदर नज़र आती है सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है दैट द श्रिंकिंग एवरेज वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड द पोलिटिसन ऑफ द वर्किंग क्लास इधर बाय सम अदर एलिमेंट्स इट कैन आल्सो इंक्रीज द और इट कैन इट कैन इंक्रीज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है इम्पोर्टेंट बात कि अगर अपर क्लास जो वर्किंग क्लास है उसकी जो बेसिक जो एवरेज वेजेस हैं अगर वो कम कर दिए जाएंगे तो तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट होगा अल्टीमेटली हम सिंपल सी बात इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्लैश दोनों क्लासेस में इंटरेस्ट बेस्ड होगा और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए होगा और अल्टीमेटली टसल जो है वो चेंज लाने का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो बन सकती है